Assalamualaikum जी, वेलकम बैक टू आई टी स्टफ़। मेरा नाम है आमिर भगत और वेलकम टू द न्यू स्टूडियो। मजाक करूँगा, पुराना कैमरा अगर चेंज किया है। बहुत दिनों के बाद मैंने वीडियो बनाई है, आई एम नॉट सॉरी बिकॉज मैं काफ़ी बिजी था, मैं काम कर रहा था और फाइनली मुझे किसी ने कल मैसेज भेजा था एक वीडियो के सवाल, तो मैंने सोचा आज वीडियो बना लेते हैं बिकॉज सब कुछ अवेलेबल था। सवाल ये था कि सोनी में एक कैमरा में होता है 1 और 2, मैं दिखाऊँ मैं आपको, ये रहा ये 1 और सॉरी ये यहाँ पे 1 और 2 आपको दिख रहा होगा। तो ये 1 और 2 क्यों होता है यहाँ पे? 1 और 2 बेसिकली ये होता है कि आप अपनी मेमोरी को रिकॉल कर सकते हैं। सपोजिटली मुझे इस तरह चाहिए कि मैं एक मोड को 24 फ्रेम पर शूट करूं और अगले मोड को 120 फ्रेम पर शूट करूं, या वट एवर सेटिंग, एक में मेरा ISO 400 हो, एक में 800 हो, बेसिकली कस्टम मैं अपनी सेटिंग बना लूँ, फिर मैं इसको सेव कर लूँ कैमरा में कि भाई मोड 1 पे ये सेटिंग होगी, मोड 2 में ये सेटिंग होगी। तो दिस इज़ वाई दिस 1 और 2 नंबर आर देयर। लेकिन इसको करें कैसे, इसीलिए तो वीडियो बनाइए भाई। देखो अभी आएगा ओवरहेड शॉट, सॉरी अभी आएगा ओवरहेड का शॉट और फिर आप देखेंगे शश के, बिकॉज ओवरहेड रिग है ना मेरे पास। ऑलराइट, तो ये मेरा कैमरा है और सबसे पहले मुझे ये करना है कि मैं यहाँ पे जाना है वीडियो मोड पे। जैसे ये वीडियो मोड आ गया, राइट। अब मुझे समझो कि कोई भी सेटिंग करनी है, मुझे ये F2 ये 100 चाहिए और 2.2 चाहिए, या फिर मुझे अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे चाहिए। शटर अभी शटर प्रायोरिटी मोड है, मैंने अपर्चर प्रायोरिटी मोड पे कर दिया। ISO मैं कर देता हूँ ऑटो, ये मैंने कर दिया ISO ऑटो, ठीक है। अब दिस इज माय कस्टम सेटिंग, मैंने कहा ये भी सही है, 0.7 ये एडजस्ट करता है खुद को शटर स्पीड के लिहाज से। अब मैंने कहा मुझे ये सेटिंग चाहिए नंबर 1 पे, मैं मेन्यू पे जाऊँगा, फोल्डर 1 पेज में आपको जाना पड़ेगा, फोल्डर 1 पेज 4 में आप गए और ये देखो 1 पे ऊपर आया है। मैंने इसको से ओके करना है कि सेटिंग इसमें पकड़ी हुई 1.8 ISO ऑटो, मैंने कहा ओके, ये अपर्चर प्रायोरिटी, मैंने कहा ओके, ये चीज़ सेट हो चुकी है। अब अगर आपको चेक करना है तो आप 1 पे जाएं, या 1 पे गए और देखो सेटिंग खुद देखो तो आ गया 1.8 अपर्चर प्रायोरिटी रिकॉल। अब सपोजिटली मुझे इसको 2 पे सेट करना है 120 फ्रेम पर सेकेंड, तो मैं वापस मेन्यू मोड पर आया, यहाँ पे गया, मैं यहाँ पे मैंने इसको कर दिया रिकॉर्ड सेटिंग 120 फ्रेम पर सेकेंड, और वापस मैं जाऊँगा नॉर्मल मोड पे और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पर 120 FPS हो गया है, ये ऊपर 120 FPS यहाँ पर छोटा सा आ रहा है, ठीक है। अब आप मेन्यू पर गए और वही फोल्डर 1 पेज 4 और आपने इसको ये आप इस डायल से आपने इसको राइट पे किया, ये 2 पर आ गया, आपने इसको ओके कर दिया, दैट्स इट, दिस इज़ डन। अब अगर 1 पे जाऊँगा मैं तो 1.8 अपर्चर प्रायोरिटी 24 फ्रेम पर सेकेंड, और मैं अगर 2 पे जाऊँगा 1.8 अपर्चर प्रायोरिटी 120 FPS। सो दैट्स इट, सिंपल। आई होप आपने आज के वीडियो में कुछ सीखा हो। ये 1 और 2 सिर्फ सोनी A65 या सोनी की जो सीरीज़ है उसके लिए है, ये सोनी A73 में भी है और ये काफ़ी जो है आपका टाइम बचा सकते हैं। अगर आप कहीं शूट पर हैं, आपको फ़ौरन स्लो मोशन करना है, फ़ौरन आपको नॉर्मल मोशन करना है, किसी के इंटरव्यू लेना है, साउंड सेटिंग चेंज करना है, ISO चेंज करना है, तो यू कैन कस्टमाइज इट। तो ये इस तरह यूज़ होता है एंड आई होप दैट्स इट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और इंस्टाग्राम में लाइक करें, सब्सक्राइब।